दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति, हर मनुष्य के पास समान अवसर है, समान काबिलियत है, लेकिन अनुभव ही हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। हम अपने अनुभव के आधार पर ही अलग प्रकार के निर्णय ले पाते हैं और अलग राहों पर हम अपनी काबिलियत दिखाते हैं। किसी ने पूछा था कि जब भी कोई महान पुरुष इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला होता है तो उसकी भविष्यवाणी पहले ही हो जाती है, उसकी घोषणाएं पहले से ही हो जाती हैं और उसके बाद सभी लोग उसकी राह देखते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध के लिए भी उनके जन्म से पहले ही यह घोषणा हो चुकी थी कि वह एक सिद्ध पुरुष बनेंगे। लेकिन हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं और हमारे जन्म के लिए ना तो कोई घोषणा हुई है, ना ही कोई भविष्यवाणी। तो हम एक साधारण से मनुष्य हुए तो फिर हम अपने जीवन में ऐसा क्या बड़ा कर सकते हैं? हम अपने जीवन में कैसे एक महान पुरुष बन सकते हैं? हम तो साधारण थे, साधारण रहेंगे और साधारण ही मर जाएंगे। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कुछ ऐसा प्रश्न उठते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि किस तरह से एक साधारण मनुष्य भी वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ पा सकता है जिसे वो चाहता है, जिसकी वो इच्छा रखता है, जिसकी वो कामना करता है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। उनमें से उनका एक शिष्य बहुत परेशान था, क्योंकि वह कई वर्षों से साधना करने का प्रयास कर रहा था, वह ध्यान करना चाहता था, लेकिन अब तक वह ध्यान को पा नहीं सका था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। लेकिन उसके बाद ऐसे कई सारे शिष्य आए जिन्होंने उससे पहले ही ध्यान की प्राप्ति कर ली, सत्य के मार्ग को खोज लिया, वो उससे बहुत आगे निकल चुके थे। फिर भी उस शिष्य ने अपना धैर्य नहीं खोया था, वह धैर्य के साथ साधना में लीन रहता, वह अपना हर मुमकिन प्रयास कर रहा था जिससे वह ध्यान के मार्ग को खोज सके, वह सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सके। लेकिन देखते ही देखते उसका धैर्य एक दिन टूट गया और वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहने लगा, हे बुद्ध, मैं इस भिक्षु जीवन को त्यागना चाहता हूं, मैं वापस से अपने संसारी जीवन में लौट जाना चाहता हूं, मैं अपने गृहस्थ जीवन को जीना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि मैं साधना कर सकूं, तप कर सकूं, ध्यान कर सकूं और तो और बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूं। अपने शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम बुद्धत्व प्राप्त करने के लायक नहीं हो? इस पर वशिष्य कहता है, हे बुद्ध, हजारों वर्षों में कोई एक ऐसा सिद्ध पुरुष इस पृथ्वी पर जन्म लेता है जिसके बारे में पहले से ही घोषणाएं हो जाती हैं, जिसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणियां हो जाती हैं कि यह पुरुष एक सिद्ध पुरुष बनेगा, यह पुरुष एक महान पुरुष बनेगा, उसकी कुंडली में कुछ ऐसे खास योग होते हैं जैसे आप खुद, पर मेरी कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूं जो अपने संसारी जीवन को त्याग करके आपके साथ आपका भिक्षु बन चुका था। तभी महात्मा बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तो फिर तुम्हारे गुरु भाइयों का क्या? उनके बारे में भी तो कभी कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, उनके बारे में भी तो कभी कोई घोषणाएं नहीं हुई, लेकिन वह तो बुद्धत्व के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। तभी वशिष्य बुद्ध की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे बुद्ध, वो सब प्रभावशाली हैं और आपकी छत्र छाया में आकर आपका मार्गदर्शन पाकर वो मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, किंतु मैं खुद को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है ही नहीं, ना ही मैं इतना प्रभावशाली हूं। तभी तो
इतने वर्षों की साधना के बाद भी मैं आज वहीं का वहीं हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी, और मेरे गुरु भाई जो मेरे साथ हुआ करते थे, आज वो सब कहीं दूर कहीं आगे निकल चुके हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। महात्मा बुद्ध आश्रम के अंदर गए और वहां से वे कुछ बीज लेकर वापस बाहर आए और उस बीज को दिखाते हुए वह उस शिष्य से कहते हैं, भंते ये देखो ये कुछ बीज हैं, अब मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा वृक्ष बनेगा, कौन सा पौधा ही रह जाएगा और कौन सा बीज बीज ही रह जाएगा, वह कभी अंकुरित हो ही नहीं पाएगा। उस शिष्य ने उन सभी बीजों को ध्यानपूर्वक देखा और फिर महात्मा बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध यह बता पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारे बीज तो एक ही प्रकार के हैं, एक जैसे हैं। यह कहना तो बिल्कुल असंभव होगा कि इनमें से कौन सा विशाल वृक्ष बन पाएगा, कौन सिर्फ पौधा ही बनकर रह जाएगा और कौन सा बीज केवल बीज ही रह जाएगा। तभी महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य से कहते हैं, ठीक है लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इनमें से एक बीज के लिए भविष्यवाणी करो कि वह बीज आगे चलकर एक विशाल वृक्ष का रूप लेगा, और इससे विशाल वृक्ष इन बीजों में से और कोई नहीं बन पाएगा, क्या तुम उस बीज को इनमें से चुन सकते हो। उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध इन सभी बीजों में से एक उस बीज को चुनना जो कि एक विशाल वृक्ष का रूप लेगा, यह तो असंभव है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर उन्होंने अपने शिष्य से कहा, ये लो ये सारे बीज तुम रखो, इनमें से आधे बीज ऐसी जमीन पर बोना जो कि बहुत उपजाऊ हो, और उनका ध्यानपूर्वक ध्यान देना, और बाकी के आधे बचे हुए बीज तुम ऐसी जमीन पर डालना जो जमीन बिल्कुल भी उपजाऊ ना हो, जहां पर कंकड़ पत्थर हो, और तो और तुम्हें इनका ध्यान भी नहीं रखना है। उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध की बात स्वीकार की और उस शिष्य ने आधे बीज उपजाऊ जमीन पर फेंक दिए और उनका ध्यान भी रखा, और बाकी के आधे बचे हुए बीज ऐसी जमीन पर फेंक दिए जहां की जमीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं थी, वहां बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे। देखते ही देखते एक महीना बीत गया, जहां पर वो उपजाऊ जमीन थी जहां पर वो सारे बीज बोए गए थे, देखते ही देखते वे सभी बीज अंकुरित होने लगे और वे सभी पौधे बन चुके थे। वह शिष्य ये देखकर बहुत खुश हुआ, वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे कहने लगा, हे तथागत जैसा आपने कहा था कि आधे बीज को उपजाऊ जमीन पर बोना है, तो मैंने आपके कहे अनुसार वैसा ही किया था और उनकी खूब देखभाल भी की, और आज एक महीनों बाद वे सभी अंकुरित हो चुके हैं, वे सभी पौधे बन चुके हैं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य से कहा, भंते तुम ठीक इसी तरह से उन सभी पौधों का ध्यान रखते रहो, और ऐसा ही तुम्हें अगले एक वर्षों तक करना होगा। उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध की बात मान ली, वह अगले एक वर्षों तक हर रोज उन पौधों को पानी दिया करता, उनका ख्याल रखा करता, उन पौधों की हर एक चीज पर वह नजर रखता। देखते ही देखते पूरे एक वर्ष यूं ही बीत गए। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य के पास आए और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते बताओ वो सारे बीज तुमने कहाँ बोए थे, और क्या वे सभी बीज अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुके हैं या नहीं। वह शिष्य तुरंत ही महात्मा बुद्ध को वहां पर लेकर जाता है, उन वृक्षों की ओर इशारा करते हुए कहता है, हे बुद्ध इन सभी बीजों में से केवल एक ही बीज सबसे विशाल रूप ले पाया है, वह एक विशाल वृक्ष के रूप में आपके सामने खड़ा है, और कुछ बीज छोटे पेड़ के रूप में आपको दिख रहे हैं, और इनमें से कुछ बीजों ने तो अंकुरित होने के बाद ही प्राण त्याग दिए और वे वहीं पर नष्ट हो गए। अपने शिष्य की यह बात सुनकर
महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, जिस प्रकार तुमने इन बीजों का ध्यान रखा, इनकी हर एक जरूरत को पूरा किया, इन्हें समझा, इन्हें सींचा, इन्हें पाला, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने सभी भिक्षुओं का ध्यान रखता हूँ, उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ और उसके बाद ही उनमें से कुछ विशाल वृक्ष का रूप ले लेते हैं तो कुछ छोटे और कुछ बहुत छोटे हो जाते हैं, किंतु यदि हम उन सभी को एक समान समय दें, एक समान उनका ध्यान रखें, तो एक न एक दिन वो भी एक विशाल वृक्ष का रूप अवश्य ही ले लेंगे। परंतु फिर भी इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो समय के साथ नष्ट हो जाएंगे और वह कभी भी एक विशाल वृक्ष का रूप नहीं ले सकेंगे, जैसे कि तुम, क्योंकि तुम खुद को समय नहीं देना चाहते बल्कि दूसरे विशाल वृक्षों को देखकर अपनी काबिलियत को आंकते रहते हो, जिससे तुम अपनी शक्ति को कम समझते हो। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि बीज एक ही प्रकार के होते हैं और एक जैसे ही होते हैं, सभी में एक प्रकार की क्षमता होती है, एक ही प्रकार की काबिलियत होती है और सभी में एक ही प्रकार की शक्ति भी होती है। इतना कहकर महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य को वहां पर ले गए जो जमीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं थी, जहां पर बाकी के आधे बचे हुए बीज फेंक दिए गए थे। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को लेकर उस स्थान पर पहुंचे और वहां पर जब वह शिष्य पहुंचा तो वह वहां का नजारा देखकर अचंभित था, हैरान था, क्योंकि वहां पर ऐसे तीन विशाल वृक्ष खड़े थे जो उसके सींचे हुए वृक्षों से अत्यधिक मोटे और अत्यधिक बड़े थे, विशाल काय थे। वशिष्य मन ही मन यह सोच रहा था कि भला इस पथरीली जमीन पर, इस अनउपजाऊ जमीन पर ये तीन तीन विशाल वृक्ष कैसे खड़े हो गए। वह मन ही मन यह भी सोच रहा था कि जो मैंने वृक्ष लगाए हैं ये उससे भी अत्यधिक बड़े हैं, ये उससे भी विशाल काय हैं। तभी महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूं, सभी बीजों की क्षमता एक बराबर होती है, कोई भी मनुष्य विशेष या साधारण नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं और इसका उदाहरण तुम्हारे सामने ही है। तुम्हारे बिना देखभाल किए हुए भी ऐसी पथरीली जमीन पर, ऐसी अनउपजाऊ जमीन पर तीन तीन विशाल काय वृक्ष तुम्हारे सामने खड़े हैं जो धरती का सीना चीर कर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुके हैं। ठीक उसी प्रकार हर एक मनुष्य अपने हिसाब से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, वह बुद्धत्व को भी प्राप्त कर सकता है। ये तीनों विशाल काय वृक्ष इस बात के साक्षर हैं, क्योंकि हर बीज में वो क्षमता होती है, वो काबिलियत होती है, यह खुद का पोषण कर सकते हैं, यह खुद की देखभाल कर सकते हैं और खुद जो चाहे वह बन सकते हैं, और इसके लिए इन्हें किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी देखभाल करने वाले की यहां कोई आवश्यकता है। किंतु जिनकी देखभाल की जाती है तो उनकी संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो आगे चलकर एक विशाल काय वृक्ष का रूप अवश्य लेंगे। बस उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उन्हें सही मार्ग पर चलते रहने की आवश्यकता होती है। महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर उस शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे ये समझ में आ चुका था कि वह अपने आप को कम समझ रहा है, वह अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत पर शक कर रहा है। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया, हम सभी एक ही हैं, हमारे पास एक समान शक्ति है, एक समान समय है, एक समान अवसर है और एक ही समान काबिलियत है, इसलिए आज से मैं अपने आप को पोषित करूंगा कि मैं सही मार्ग पर चलकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकूं, अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकूं। इतना कहकर उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और तब से वह साधना में लीन रहने लगा, वह हर मुमकिन प्रयास करने लगा। उसने उसके बाद से कभी यह ध्यान नहीं दिया कि उसके साथ कौन से शिष्य थे और कौन से उसके बाद आए। उसने लगातार मेहनत की, प्रयास किए और करीब 5 वर्षों के बाद आखिरकार उसने बुद्धत्व को प्राप्त कर ही लिया। वह उसके बाद महात्मा बुद्ध के पास आया
और महात्मा बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध, बताइए अब मेरे लिए आगे क्या आज्ञा है। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, आखिरकार तुमने उन ऊंचाइयों को छू ही लिया जिसकी तुम कल्पना किया करते थे, जिसकी तुम्हारे मन में इच्छाएं थी, कामना थी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब तक हम उन ऊंचाइयों को नहीं छूते तब तक हमारे मन में उन ऊंचाइयों को पाने का लक्ष्य होता है और हम उसे पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और ऊंचाइयों को छू लेते हैं तो वहां से नीचे गिरने का हमें डर भी सताने लगता है और वहां से गिरने का खतरा भी हमें सताता रहता है। इसलिए अपनी जड़ें मजबूत रखना, अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना। तुम्हें संसारी जीवन के प्रलोभन अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। इस संसार का ये लालच, मोह, माया तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। इससे तुम्हें बचना होगा, अपने आप को बचाना होगा, तभी तुम इस मार्ग के आगे की ओर बढ़ पाओगे। तुम्हारे लिए आगे के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम इस मार्ग पर आगे बढ़कर सत्य की प्राप्ति कर सकोगे। और जैसा कि अब तुमने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है तो अब तुम पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करो, वहां पर लोगों को तुम्हारी आवश्यकता है, जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वह पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ चला। दोस्तों, हम अक्सर यही सोचते हैं कि जो महान होते हैं वो बहुत खास होते हैं, उनमें कुछ अलग होता है, कुछ ऐसा जो हमारे पास है ही नहीं। किंतु आप ये भूल जाते हैं कि उन महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले, उनके अंदर वो खासियत पैदा होने से पहले, उनके अंदर वो काबिलियत पैदा होने से पहले वो भी एक साधारण इंसान ही थे। इसीलिए सभी एक जैसे ही होते हैं। हमारे पास वही क्षमता है जो उनके पास है, हमारे पास भी वही काबिलियत है जो उनके पास है। हम जैसा चाहते हैं हम वैसा कर सकते हैं और हम वही करते भी हैं जो हम चाहते हैं, जैसी हमारी सोच होती है। फिर चाहे हमारी सोच अच्छी हो या बुरी, जैसा हमने सोचा है हम अपने आप को वैसा ही बनाते चले जाते हैं। फिर चाहे हम दूसरों की तरह बनना चाहें या फिर खुद की तरह बनना चाहें, हमारा मन जो हमारे शरीर का केंद्र है, जो बहुत शक्तिशाली है, जो हमेशा भटकता रहता है, जो आपको हमेशा भटकाता रहता है क्योंकि आप उसे एक सही दिशा नहीं दे पा रहे, और यही कारण है कि आप हमेशा भटकते रह जाते हैं। आप दूसरों की केवल सफलता देखते रह जाते हैं और उसे देख देख कर आपका मन आपको और भी पीड़ित करता है। आप हमेशा केवल एक ही सोच में लगे रहते हैं कि वो लोग कुछ खास हैं, उनके पास वो काबिलियत है, उनके पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो भी एक साधारण इंसान ही है। इस तरफ आपका ध्यान कभी नहीं जाता, वो भी एक आम मनुष्य है जिस तरह आप हैं। किंतु आप अपने मन की शक्तियों को समझ लें, अपनी क्षमताओं को समझ लें, अपनी काबिलियत को समझ लें और उसे एक सही दिशा दें तो आप भी उन सफलताओं की ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं। और उन शक्तियों को नियंत्रित करने वाला कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। इसलिए आप ही को प्रयास करना होगा और आप ही उस पर नियंत्रण भी पा सकते हैं। यदि आप इस विचार में हैं कि कोई और आपके लिए कार्य करेगा तो फिर आप हमेशा जहां हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि यदि आपके मन को कोई नियंत्रित कर सकता है तो वो आप खुद ही हैं। अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति को कोई जान सकता है तो आपसे बेहतर और कोई नहीं है। आप जो चाहते हैं वही तो आप बनते हैं। आपको बनाने और बिगाड़ने वाला और कोई नहीं होता, वो आप खुद ही हैं, क्योंकि सभी बीजों की क्षमता एक जैसी ही होती है। कम या साधारण समझना ये तो हमारी गलती है। तो आज से यह निर्णय आपके हाथों में है। आप दूसरों से अपने आप को कम समझना चाहते हैं या फिर अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता और अपनी शक्तियों को केंद्रित करके आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। निर्णय आपका है और आप ही को लेना होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।